अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। मैं आज बना रही हूँ दही भल्ले। इसके लिए 2 कप माश की दाल, मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ था। तलने के लिए तेल, 1 बड़ा कप दही, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1 छोटा नींबू, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक, 2 टीस्पून कटी हुई अदरक। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें कटी हुई अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्च, इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे दर दरा, थोड़ा नमक डालकर। देखिए मैंने दर दरा ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें माश की दाल मिलाएंगे। अब इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इसका इतना फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें नींबू डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक डालकर इसको और थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। अब ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। गैस पे एक कढ़ाई रखकर इसमें तेल गर्म होने के लिए डालेंगे। अब तेल गरम हो चुका है। अब हाथ को थोड़ा गीला करके इस तरीके से लेकर इसमें छोड़ देंगे। अब इसको पलट लेंगे। इसको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन डीप फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। अब दही लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से बीट कर लेंगे।
अब इसमें शुगर पाउडर मिला लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब दही भल्ले को इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और इसके ऊपर मीठी चटनी, पुदीना चटनी, और अनारदानों से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।